गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, आई जस्ट विश कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप बहुत जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्दी आप वो यूपीएससी की सीमा को पार करके लवासना में पहुंचने वाले हैं। वहां पर चाय पीने वाले हैं लवासना के कप में, वहां के हॉस्टल्स को एक्सपीरियंस करने वाले हैं और भारत दर्शन करने वाले हैं, वहाँ ट्रैकिंग पे जाने वाले हैं मसूरी की ट्रैक्स पर। तो मतलब वो सभी चीज़ जो आप फैंटेसाइज करते हैं, आई जस्ट विश कि बहुत जल्दी आप सबको वो चीज़ें मिल जाए, है ना। तो कुछ चीज़ें मेरे बारे में अक्सर आप लोग चैनल पे कमेंट करते रहते हैं। थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था इन क्वेश्चंस को पिकअप करने का, तो मैंने सोचा ही था कि एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा इस बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, ये क्वेश्चंस हालांकि रैंडमली पूछे गए थे, सब आगे पीछे थे, लेकिन मैं इनको एक सीक्वेंस में बताऊंगा, है ना, पूरी जर्नी को एक तरह से कंक्लूड सा करते हुए अभी तक की जर्नी को। जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है, जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक जर्नी पूरी नहीं होती है ना, और उसके बाद भी फिर नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है क्लियर होने के बाद। तो इस पूरे को मैं कुछ सीक्वेंस में कंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन पिकअप करता हूँ कि मेरा स्टडी बैकग्राउंड क्या है और मैं कब से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो स्टडी बैकग्राउंड, यार देखो, मैं इसमें ना अपना वो बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा कि लाइफ में कब कहाँ कैसे कैसे हम लोग कहाँ से कैसे कैसे घूम रहे हैं ना। तो सिर्फ स्टडी का बैकग्राउंड बता दो। तो स्टडी बैकग्राउंड क्या ऐसा है कि मैंने अपनी 6th तक की पढ़ाई मैंने दिल्ली से करी है, स्प्रिंगफील्ड कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली से। उसके बाद मैंने 6th, 7th, 8th, 9th और 10th मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल बीपीएसएमयू यूनिवर्सिटी से करी है, खानपुर कला हरियाणा से। और उसके बाद मैंने 11th और 12th अपना ग्लोबल पब्लिक स्कूल गोहाना, ये भी हरियाणा से, है ना। उसके बाद से मैं अभी, मेरी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से, उत्तराखंड, है ना। तो इसके बाद स्टडी बैकग्राउंड हो गया, कब से प्रिपेयर कर रहे हो। तो यार 12th खत्म होने के बाद, जब 12th खत्म हुई थी, 12th क्लास का आखिरी एग्जाम था, तो अभी भी मुझे याद है कि उसके बाद मैं बुक्स ले आया था, एनसीईआरटी की बुक्स मैंने ले अरेंज कर ली थी और इसमें एक टीचर का काफी बड़ा हाथ था। तो एनसीईआरटी की बुक्स मैंने अरेंज कर ली थी और उसके 3-4 दिन बाद ही, मतलब 12th खत्म होने के 3-4 दिन बाद ही मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी अपनी, और तब मैं हरियाणा में ही था तो प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। पता नहीं क्या बचकानी हरकतें करता था मोस्ट टाइम, पढ़ाई में भी कुछ भी पढ़ता था, कुछ भी वीडियोस देख लेता था कहीं से भी। मतलब अभी धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप जो कर रहे थे वो सब सही नहीं था, है ना। तो यही फायदा होता है, आप जब जर्नी थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देते तो आप जो गलतियां करने वाले होते हैं उनको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो प्रेपरेशन मैंने वहां से स्टार्ट करी थी। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं उत्तराखंड आ गया था अपने होम स्टेट में, उत्तराखंड मेरा होम स्टेट है, तो ग्रेजुएशन के लिए मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड आ गया था और यहाँ से मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। तो कब से प्रिपेयर कर रहा हूँ यार, 2020 आई वुड से मई, मई 2020 के आसपास से ना, सॉरी। और उसके बाद है व्हाट इज माय एज, तो यार अंदाजा लगा लो। तो 2020 में मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, तो उस टाइम मैं 17 का था अभी। मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 2003 है जो ओरिजिनल है, और जो डॉक्यूमेंटेड है वो फरवरी 2003 है। तो अगर अंदाजा लगाए तो अभी मेरी एज 21 नहीं हुई है ना, और नेक्स्ट ईयर भी अगस्त तक नहीं हो पाती है 21, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट ईयर वाला भी जो एग्जाम है उसको नहीं दे पाऊंगा। आई थिंक वो अगस्त 21 तक आपकी एज मांगते हैं, 21 हो जानी चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर वाला एग्जाम में नहीं दे पाऊंगा और 2024 में मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। तो यही आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच न्यूज़पेपर डज आई प्रेफर और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ते हो। यार न्यूज़पेपर में द हिंदू प्रेफर करता हूँ, और करंट अफेयर्स टोटली अगर मैं बताऊँ तो कहाँ से कवर करता हूँ यार, अभी तक 2 साल की जर्नी में मैंने अलग अलग जगह से तैयारी की है, अलग अलग जगह से, मतलब अभी तक भी मेरे को ये समझ नहीं आया अच्छे से कि कहाँ से कवर करना है। बट ऑब्वियसली तो जनवरी के बाद से मैं किसी एक स्पेसिफिक सोर्स पे चिपक जाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, अलग अलग टाइप पे मैं अलग अलग चीजों को प्रेफर कर लेता हूँ। बट अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी मैं राउज आईएएस की डीएनएस की वीडियो आती है ना यूट्यूब पे, वो मैं देखता हूँ, और न्यूज़पेपर मैं खुद से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी अगर टाइम मिल गया तो मैं जो यूपीएससी वाला की जो करंट अफेयर की वीडियो आती है उसको भी देख लेता हूँ यूट्यूब पे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी ग्रेजुएशन कब हुई, तो ग्रेजुएशन वही यार अभी फाइनल ईयर में हूँ, नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगी। इंतजार कर रहे हैं कब ग्रेजुएशन खत्म हो और अच्छे से, और ज्यादा अच्छे से हम प्रेपरेशन कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यार अभी तक तो मैं जूलॉजी के हिसाब से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और जूलॉजी ही अभी तक है, और शायद जूलॉजी से ही मैं एग्जाम दूंगा। बट कभी कभी थोड़ा सा वो मन में कॉन्फिडेंस सा लैक होने लगता है जूलॉजी को लेकर यार, कि काफी ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है और कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा उसका थोड़ा सा डर रहता है। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं जूलॉजी से ही ऑप्शनल देने वाला हूँ। उसके बाद क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट कब दूंगा। तो अटेम्प्ट यार वही अटेम्प्ट मैं 2024 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ। अगर एलिजिबल होता तो शायद 2023 में भी दे देता, बट अनफॉर्चुनेटली 2024 में देने वाला हूँ। उसके बाद है कि माई इंस्टा आईडी एंड एक काफी क्वेश्चन था, उसने काफी मेरे को मतलब एंटरटेनिंग सा क्वेश्चन लगा कि लाइव चैट में मैम आपका नाम नहीं लेती है क्लास में, तो लाइव रहा करिए क्लास में, आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं। तो यार मतलब क्या हो जाएगा उससे अगर मैम नाम ले लेंगी, तो मैं लाइव क्लास अटेंड ही नहीं करता हूँ एक्चुअली ना, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है लाइव क्लास में। मतलब लाइव में और रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा फर्क होता नहीं है, क्योंकि एक तो मैं रिकॉर्डेड में उसको 2x पे देख सकता हूँ, और दूसरे रिकॉर्डेड में मैं उसकी क्वालिटी भी अच्छे से मेंटेन करके फिर उसको शायद मैं कभी कभी मैं उसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ, तो डाटा भी बचता है। तो नहीं यार ये तो शायद कभी हो पाएगा कि लाइव चैट में मैम मेरा नाम ले। उसके बाद है कि मेरी इंस्टा आईडी, तो यार इंस्टा आईडी मैं कई बार कमेंट में शेयर कर चुका हूँ, और मैं हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना, आप लोग वहां देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे बारे में। आई थिंक आपसे आप में से मैक्सिमम बच्चों के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं, है ना। और बाकी यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा आगे हूँ आप लोगों से प्रिपरेशन में। हाँ थोड़ा सा आगे हो सकता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है ना चीजों को पढ़ते हुए, 1-2 साल हो ही गए हैं, तो इतना है। बाकी थोड़ी बहुत हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता सकता हूँ जो गलतियां मैं कर चुका हूँ, जिनसे मैं सीख चुका हूँ। अभी भी बहुत गलतियां कर रहा हूँ मैं शायद, है ना, जिनसे नहीं सीखा हूँ, तो जिन गलतियों से मैं सीख चुका हूँ उन गलतियों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजों में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बट इफ यू थिंक कि मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, तो शायद वो पॉसिबल ना भी हो, है ना। तो फिर से मिलते हैं यार, आप लोगों की जो भी क्वेरीज वगैरह हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है, वरना मैं इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन भी लेता, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता। धीरे धीरे जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मतलब एटलीस्ट अगर 400-500 अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, कुछ सीरियस सब्सक्राइबर्स होंगे जो थोड़ा फॉलो करते होंगे, तो फिर उसके बाद एक लाइव सेशन रखेंगे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे ही रख लेंगे, है ना। उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, क्योंकि मैं खुद इतना अभी वो नहीं समझता हूँ खुद को। उसमें ऐसा होगा कि हम लोग थोड़ा इंटरेक्ट कर लेंगे, है ना, बहुत सारी चीजों को लेके, बहुत सारे टॉपिक्स को लेके हम लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो यार इतना ही आज की वीडियो में, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी करोगे तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और लाइक भी आप लोग कर ही देते हो, कोई कोई तो कर ही देता है, और कमेंट कमेंट तो आप लोग कर ही लेते हो, है ना, जिसको क्वेरी होगी वो कर ही लेगा, बाकी जिसको अच्छा लगता है वो देख के निकल जाता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।